और देखिए सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, तो ये कंडीशंस कौन सी है कुमार, इन कंडीशंस के बारे में बताइए जरा। कई सारे कंडीशंस ये भी लगाए गए हैं कि जैसे अभी वैक्सीन अगर आएगा तो उसमें चूंकि ये अभी भी प्री क्लिनिकल ट्रायल कंडीशन में है, ये अपने आप में एक बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब ये है कि यदि अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आपको कई तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि कल ड्राई रन हुआ, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद भी आधे घंटे तक आपको वहां बैठना जरूरी है, क्योंकि अभी भी सरकार या फिर जो भी कंपनी ने वैक्सीन बनाई है वो इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट क्या और किस तरीके से होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है डेटा, जो डेटा है वो बहुत लार्ज स्केल का डेटा नहीं है, छोटे डेटा स्केल पर, चूंकि पैंडेमिक है, पैंडेमिक में हर फैसले बहुत जल्दी जल्दी लिए जा रहे हैं, इसलिए फिलहाल इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। तो आपसे और लोगों से इस बात की गुजारिश की गई है कि जो वैक्सीन कंपनी के द्वारा दिशा निर्देशित या फिर सरकार के द्वारा दिशा निर्देशित उसका पूरी तरीके से पालन करें। दूसरा, अभी इसके जो बेचने और दस कई तरह की चीज़ें हैं जो ट्रेड की बात है उसको लेकर भी सरकार ने जो है कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों एक ऐसी बड़ी कंपनियाँ हैं, दुनिया के 60% वैक्सीन का उत्पादन हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि देश ने दो बड़ी कंपनियों को एक तरीके से लाइसेंस दे दिया है, ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर होगी, तो किसको कितना किस तरीके से देना है इसको लेकर भी कई तरह के जो है इसमें मैं जाना चाहूंगा एक तरह से कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ ठीक है कुमार, मैं आपसे और जानकारी लूंगा, पूछूंगा आपसे कि सरकार की आगे क्या रणनीति है, आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि आप जो हैं वो जो जानकारी दे रहे हैं वो पूरा देश आज जानना चाहता है। लेकिन अश्विनी देखिए, महाराष्ट्र वो सूबा है जो सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में से रहा। एक समय तो महाराष्ट्र में कोरोना की चाल बिल्कुल बेकाबू होती दिख रही थी, तो महाराष्ट्रवासियों को भी बहुत बेकरारी से पूरे देश की तरह इंतज़ार तो रहा ही होगा वैक्सीन का। सरकार की क्या तैयारियाँ हैं और किस तरह से वहां पर जैसे वैक्सीन का रोल आउट होगा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, इस बारे में कोई जानकारी दी गई है सरकार की तरफ से? जी देखिए, आज से करीब 1.5 से 2 महीने पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार से संपर्क करके बात जानकारी दी गई थी कि वैक्सीन की जो तैयारी है वो आप करनी शुरू कर दीजिए, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिला स्तर से लेकर जो तमाम छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ तक पूरी तैयारी कर ली गई है। शहरों में खासतौर की अगर हम मुंबई की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित शहर कोई रहा है तो वो रहा है मुंबई। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है तो मुंबई में तमाम जगहों पर तैयारी की गई है। करीब 8 जगहों पर वैक्सीन देने के जो है सेंटर्स बनाए गए हैं और लगातार BMC वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरह से सेटअप लगना चाहिए, वो तमाम जो है तैयारियां कर ली गई हैं। हर जगहों पर जिस तरह से अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है अधिकारियों ने बताया कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ये वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है, तो ये तमाम मशीनें उपकरण जो है वो सभी सेंटर्स पर पहुंचाए जा चुके हैं ताकि वैक्सीन आने के बाद उन्हें स्टोर करने को लेकर कोई समस्या सामने ना आए। और जो ड्राई रन कल किया गया वो तमाम जो है सिर्फ 4 जिले केंद्र सरकार की तरफ से जो है चुने गए थे, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने तमाम जिलों में छोटे छोटे ब्लॉक्स में भी जो अस्पताल हैं वहाँ पर तैयारियाँ कर रखी हैं ताकि एक बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक जहां भी जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ा रहा बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि वैक्सीन जो पहली बार देश में ऐसा लग रहा है कि देश की अलग अलग पार्टियों की, या बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, पहली बार नहीं है तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब देश की अलग अलग पार्टियों की सरकारें भी एक मुद्दे पर एक साथ तन मन धन से जुटी हुई दिखती हैं, एक साथ एक मुद्दे पर बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं और कहीं कोई पॉलिटिकल यहां पर एक दूसरे के बीच खींचातानी नहीं है। वो दूसरी विपक्षी पार्टियां जो सरकार में नहीं है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो चाहे कुछ भी बयान दे रही हो, मनीष ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। उत्तर प्रदेश में तो चलिए BJP की सरकार है, लेकिन बहुत सारे राज्य जहां पर BJP की सरकारें नहीं है उन्होंने भी अपनी तैयारी बहुत पुख्ता कर रखी है। बिल्कुल गौरव, बेकार साल 2020 और बेहतरीन साल 2021 इस मायने में कि यहाँ पर भारत की पहली 2 वैक्सीन को अनुमति मिली है। उत्तर प्रदेश तो लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था, भले समाजवादी पार्टी के मुखिया कुछ कहें, लेकिन यहाँ के लोग, लखनऊ के लोग, पूरे पूर्वांचल के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कैसे जिंदगी सुकून में आएगी जब वैक्सीन आ जाएगी। और अब वैक्सीन के ऐलान के बाद अब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो गया था, लोगों को देखिए परेशानी रही। आपके पास बहुत जानकारियां हैं, क्या
स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर भी कोई मीटिंग लगातार होती रही इस दौरान स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचने के लिए? क्या कुछ किया जाता रहा और कितनी तैयारियां अलग अलग राज्यों में राज्यवार स्थिति पर दिखती हैं, ये कोई जानकारी है क्या? कुमार, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल गौरव, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो इसके लिए वैक्सीन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी और स्टेट्स के साथ अलग अलग मीटिंग की गई थी। इसमें स्टेट्स को यह बताया गया था कि जिन जगहों पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है वहां पे सबसे ज्यादा वैक्सीन अलॉट किया जाएगा, क्योंकि एक बार में इतना वैक्सीन भी संभव नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास अभी तकरीबन 5 करोड़ वैक्सीन का वायल है, इसके अलावा भारत बायोटेक के पास भी लगभग इतनी तादाद में है। तो ऐसे में सरकार ने, और चूंकि एक आदमी को 2 डोज पड़ेगा, तो सरकार ने प्रायोरिटी तय की है कि जैसे दिल्ली है, मुंबई है, केरल है या फिर तमिलनाडु है, कई सारे ऐसे जगह है जहां पे कि कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो जिन जगहों पर संक्रमण ज्यादा फैला हुआ है वहां पे फ्रंट लाइन वॉरियर के अलावे, इसके अलावे जो कोरोना का चेन है उसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि वहां पहले लोगों को वैक्सीनाइज किया जाए। और इसके लिए सरकार ने राज्यों को पहले ही बता दिया है कि अभी आप कह रहे थे कि 28 दिन के अंतराल पे डोज दी जाएगी, एक जानकारी यह आ रही कि शायद 1 हफ्ते से 15 दिन के अंतराल पर 2 डोज दी जा सकती है, क्लियर कीजिए इसको। देखिए, अभी जो हम लोगों को शुरुआती जानकारी दी गई थी वो यही दी गई थी कि सीरम हो या भारत बायोटेक हो, दोनों का जो है वो 2 डोज में दिया जाएगा और पहला डोज जिस दिन पड़ा उसके 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। डेटा जो उन्होंने पेश किया है उस डेटा में 70.4 वैकेसी जो बता रहे हैं वो 2 डोज देने के बाद बता रहे हैं। मैं और अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको हम और जानकारी लगातार देते रहेंगे, अभी बहुत प्राइमरी जानकारी आ रही है, जैसे जैसे और पुख्ता जानकारी आती जाएंगी सरकार की तरफ से, जैसे जैसे आधिकारिक बयान आते रहेंगे, आपको हम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ वो चीजें देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।